तस्वीरें जो है अभी आपको बिल्कुल एनकाउंटर साइट से जो है वो दिखा रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल है। जिस तरह आपको बताया जा रहा है यहाँ पर जो है एनकाउंटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन वो जो सामने वाला घर है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उसी घर में जो है आतंकी छुपे हुए थे। और उसी के साथ साथ आपको जो है बिल्कुल स्पॉट की जो है वो लाइव तस्वीरें जिस तरह से अगर हम कहें आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की बेशुमार गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ अभी आपको उस घर पर लेके चलते हैं जहाँ पर जो है वो एनकाउंटर जो है वो हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि भारी जो है वो पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी पहुँच चुके हैं। और जिस तरह से हम आपको बताएं, आपको अंदर लेकर जाने की कोशिश करते हैं आफ्टर ऑल ये किन का घर था। और यहाँ पर जो है गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिन पर जो है वो फायर, जिस तरह से गोली की अगर बात करते हैं फायर। सबसे पहले मैं आपको सुंजवा जलालाबाद में जो पीडीपी ऑफिस है वहीं पर जो है आतंकी छुपे थे। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ, आप ये देख सकते हैं कि हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फायरिंग यहाँ पर गाड़ी पर हुई है, किस तरह से यहाँ पर जो ये है शीशा टूटा हुआ आप देख सकते हैं, और ये ज़मीन पर भी इसके कांच जो है वो बिखरे पड़े हैं। जुल्फ़िकार जी हमारे साथ। सर सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह से वो है अंदर आए। मैडम अंदर तो नहीं आए, वो पीडीपी ऑफिस के अंदर तो नहीं आए, बट सुबह 4 बजे जब हम ऊपर रेजिडेंस है हमारा जी, हम सोए हुए थे तो अचानक एक धमाके की आवाज़ आई तो हम डर गए। जैसे ही उठे बाहर आए बालकनी में आए तो यहाँ से देखा तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, उनकी गाड़ियाँ भी थी और ये फायरिंग चल रही है, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, एकदम बिल्कुल अजीब अजीब जोर जोर से आवाज़ें आने लगी तो हम घबरा गए कि अब तो बचना बहुत मुश्किल है। अब आपको पता ही वो टाइम कैसा होगा जब आपके सामने बॉम्ब फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो नुकसान तो काफ़ी हुआ मेरे घर पे। फिर फायरिंग स्टार्ट कर दी उन लोगों ने, बट सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पेशली हमारी आर्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने हमारे मेरी फैमिली को सेफ निकाला और सेफ जगह पे पहुँचाया। मैं आपसे एक दो सवाल करूँगी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कितने बजे आपने फायरिंग जो है देखी। मैम ये अराउंड 4 o'clock तो कितने जल्दी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पहुँच गए। मुझे लगता है जैसे मैं मेरे उठने से पहले पहले सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे। कितने जो है आपने देखा कि कितने जो है आतंकी हो सकते थे। मैम वो तो नहीं कह सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि अंधाधुंध फायरिंग थी और जम्मू के हम सीधे साधे लोग, डोगरे लोग हैं, हम लोगों ये नहीं चाहते, ये माहौल हम नहीं चाहते, इससे हमें बचाए सरकार। तो सब सुरक्षित है। जी सब सुरक्षित। चलिए तो ये तस्वीरें हैं जिस तरह से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, बिल्कुल ये स्पॉट की वही तस्वीरें हैं। ये पीडीपी ऑफिस है, उसके ऊपर जो है वो रेजिडेंस है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये जेसीबी है, ये भी आपको बिल्कुल स्पॉट से जो है हम तस्वीरें बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फायरिंग में जो है किस तरह से कांच जो है यहाँ पर टूटा पड़ा है। और ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जो जिस तरह से फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, तो नुकसान जो है ये हुआ है। हाल ही यहाँ पर अगर जान की बात करते हैं, सब सुरक्षित हैं, किसी की कोई जान है उसको किसी भी तरह का जो कोई नुकसान नहीं हुआ है। और सामने यही वो घर है, बिल्कुल पीडीपी ऑफिस की बात करते हैं। यहाँ पर सुंजवा जलालाबाद में जो पीडीपी ऑफिस है यहाँ तक जो है कार्यालय है यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो स्कॉर्पियो लगी है ये क्षतिग्रस्त हुई है, इसका कान जो है वो टूट कर जो है वो नीचे बिखरा है। एनकाउंटर साइट के ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं भारी भरकम पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ ये सुंजवा में जो है वो दूसरा एनकाउंटर है। और साथ ही साथ जिस तरह से तस्वीरों की बात करते हैं, तस्वीरें जो हैं वो खुद में ही ये कह रही हैं कि किस तरह के यहाँ पर जो है माहौल होगा। क्योंकि सुबह जो है वो सहरी का वक्त था, तो आपने देखा कि सहरी के वक्त के कुछ ही देर बाद में जो है यहाँ पर एनकाउंटर जिस तरह से जो है वो स्टार्ट होता है। और ये विजुअल्स जो है वो वहीं के हैं, भारी भरकम पुलिस असला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं आप अभी भी जिस तरह से पुलिस और आर्मी जो है वो यहीं पर मौजूद है। जो तस्वीरें देख रहे हैं कि आप ग्रेनेड के जिस तरह से अगर हम बात करते हैं उससे आप गाड़ी भी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तस्वीरें तो बिल्कुल यहाँ पर पाँव में टूटा हुआ कांच, गाड़ी का शीशा जो है वो टूटा हुआ है। और बिल्कुल अगर हम दिखाएं आपको तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो ग्रेनेड के साथ जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और जो आपको बाकी के जो चीज़ें दिख रही हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रेनेड से निकले हुए शर्रे जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे पीछे जो है वो सीआरटी की टीम को तैनात देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हाल ही में कुछ देर पहले यहाँ पर इनकाउंटर है जो वो ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर आर्म्स और मोशन जो है वो बरामद किए गए हैं, और एक सैटेलाइट फ़ोन जो है वो भी यहाँ से जो है वो बरामद किया गया है। वहीं पर आप देखें सुबह 4 बजे जो है यहाँ पर इनकाउंटर जो है वो शुरू
हुआ था, वहीं पर जिस तरह से आर्मी जवानों की बात करें, सीएसएफ जवानों की बात करें, उन्होंने जो है मोर्चा संभाला। और ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट को जरा आप ध्यान से देख सकते हैं, इस स्पॉट पे जो है वो सीएसएफ की गाड़ी खड़ी थी जो हाल ही में यहाँ से जा चुकी है, तब यहाँ पर आने की किसी को इजाजत नहीं थी। यहाँ पर ये जो आप कांच के टुकड़े देख रहे हैं, ये उसी गाड़ी के टुकड़े हैं, और अभी जो है वो गाड़ी यहाँ से चली गई है। उसी के साथ जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि अभी आप वहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सीआईटी की गाड़ी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया था अभी की हाल ही में, जहाँ पर जान का कोई नुकसान जो है वो किसी का नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है सुंजवा जलालाबाद में जो पीडीपी का कार्यालय था, वहीं पर जो है ऊपर एक रेजिडेंट था, वहां पर जो है वो गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। फैमिली मेंबर से भी जो है आपने सुना कि आखिर क्या कुछ कहना था। और एक मैं आपको वो दिखा दूं, एक आपको अगर जूम करके दिखाएं, अभी भी छत के ऊपर जो है वो आर्मी के जवान जो है वो यहीं पर हैं, और ये आप देख सकते हैं कि वहां से जो है उन्हें जो भी कुछ मिला है, अभी भी सर्च ऑपरेशन यानी एनकाउंटर खत्म हुआ है, बट सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सर्चिंग जो है वो लगातार जारी है। आफ्टर ऑल क्या कुछ मिलता है यहाँ पर, अभी तक जो हमारे तक जानकारी आई है सिर्फ आर्म्स और अम्यूनिशन जो है बरामद हुए, और एक सैटेलाइट फोन जो है वो भी यहाँ पर जो है बरामद हुआ है। लेकिन सुंजवा जलालाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये दूसरा आतंकी जो है हमला था, और उसी के साथ जिस तरह से सुबह जो है सहरी का वक्त था, और सहरी के वक्त के बाद में जो है यहाँ पर एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था। और अगर ठीक बात करें तो करीब जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, अभी तक जो है वो एनकाउंटर जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आर्म्स अम्यूनिशन बरामद हुए, एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है, और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियों के कांच के शीशे जो है वो भी टूटे हुए थे यहाँ पर। लेकिन एक वो हैरान करने वाली बात है ऊपर जो हम आपको तस्वीरों से बता रहे हैं, हालांकि हम उस छत तक नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है और असमंजस की स्थिति जो है वो यहां तक जो है वो बनी हुई है। और जिस तरह से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, अभी भी इस एरिया में जो है वो पुलिस यहीं पर है, उनकी गश्त जो है वो चल रही है। और जिस तरह से अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, उन्हें जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट के पल्ली गाँव में आना था, राष्ट्रीय पंचायती दिवस था और उसी के लिए उनको जो है वो यहाँ पर आना था। तो आप देख सकते हैं उनके दौरे से कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करें तो जम्मू की अगर बात करते हैं, उसे पहले ही अलर्ट पर जो है वो रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि उनके आने से पहले जो है अगर हम चौकसी की बात करें वो तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर कि लगातार अगर हम बात करें अलर्ट पर था, और आपने देखा कि अलर्ट पर था, और कुछ दिन पहले जो है इस तरह का हमला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और इसमें सुरक्षा को जो है बढ़ाया गया है। आज इस एरिया में जितने भी स्कूल लगते थे उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। और अहम दौरा जो है जिस तरह से उनका माना जा रहा है कि इसमें जो है एक बहुत बड़ी जो इस तरह से घोषणाएं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस रैली को जो वो आ रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस को जो है इसको भंग करने के लिए, जो वो एक कार्यक्रम करने आ रहे हैं, जो वो लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं, उसे भंग करने के लिए ये जो है एक बड़ा आतंकी हमला था। लेकिन पुलिस जो है जिस तरह से आर्मी के जवानों की बात करें, पुलिस की बात करें, सीआरटी की बात करें, उन्होंने इस हमले को जो है वो नाकामयाब साबित कर दिया है। और एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल जो है किसी भी दहशतगर्द का कोई हौसला जो है वो बुलंद नहीं होने देगी, और आतंकियों की कोई भी जिस तरह से मंशा होगी उसे जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बिल्कुल स्पॉट से बता रहे हैं, जहां सुबह तड़के 4 बजे की बात करते हैं, 4 बजे से जो एनकाउंटर जारी है, और कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से पहला उजाला होगा उसी में एनकाउंटर की जो समाप्ति हो जाएगी, तो बिल्कुल जिस तरह से थोड़ा सा उजाला हुआ के साथ जो है एनकाउंटर को जो है खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, आर्म्स और अम्यूनिशन जो है वो बरामद हुए हैं और सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। इसके बाद जो अभी तक भी इस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज। आशा खान के साथ अल्लाह हाफिज़।